जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस चाइना वालों से जंग लड़ने का सामान इंडिया वालों ने तैयार किया। वो कह रहे हम ऐसे नहीं जाएंगे जंग लड़ने। उन्होंने कहा हमने गाय के मूत्र से शैम्पू तैयार किया है, गाय के गोबर से हमने पता नहीं कोई सामान तैयार किया है। एंजॉय करो गाइस, एंजॉय करो, मैं आता हूँ, एंजॉय करो। गाय के गोबर से इतना सारा बना लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, गौमूत्र पका के शैम्पू बन जाता है? जी गौमूत्र का। ये माताओं के लिए जी, आपके लिए जी, अपने कमरे में जरूर इसमें लगवाना जी। किसी भी प्राण में से प्राण, विष्णु प्राण, चार महीने, छह साल, 18 प्राणों में यदि लगाए ना, अरे अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम में कर दूं। भैंस तुम्हारी मौसी लगती है, उसका दूध ना पी रहे हो? मौसी का फूफा बुआ ये छोड़ो है? देखो हमारे वेदों में लिखा है ना, गाय हमारी माता है तो बाकी में माता है। माता है तो कूड़े तो ऐसी तैसी क्यों कर रही है? वो अपने ड्राइंग रूम में सुना, माता सोती ना है, रजाई में सुना, गर्म पानी से नहला उसे, उसे नहलाता है ना, माता 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 है, माता को ले जाना, अभी दे रहा हूँ तुझे 10 माता को घूम रही पूरी पे। चल राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं आपके पास दूसरी बार ही आ रहा हूँ जी। धूप बत्ती वगैरह लेके आए थे जी गाय के गोबर की, अभी आपके लिए शैम्पू लेके आया जी गौमूत्र का, और दीवे लेके आया जी 22 तारीख के लिए, फरनैल लेके आया जी गौमूत्र की माताओं के लिए, और आपके लिए जहाँ आप सोते हो वहाँ जरूर उसका पोचा लगाना, चूहे वगैरह नहीं आने के जिससे फरनैल से। और लो जी, अब मेरी इससे बात कर लो जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने जब से आपकी कथा सुनी है ना, मेरी जिंदगी बदल गई गुरुजी। हमने अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया श्रीमन नारायण के नाम से, ये गाय के प्रोडक्ट बनाते हैं गाय के गोबर से। तो आपके घर में गौ माता है? नहीं गौ माता नहीं, आस पड़ोस में हमसे मांगते हैं, जैसे गौ माता घूमती है, हम किराए पे रहते हैं गुरुजी। अच्छा, हाँ जी। तो गाय के गोबर से क्या क्या बना ले, घर भी बनाते हैं जी? दिए, मूर्तियां, गाय के गोबर से गणेश जी, राधा कृष्ण, और ये गौमूत्र से शैम्पू। तो शैम्पू हैम्पू कैसे बना लेते हैं गाय के? ये आपके दास के लिए है जी, ये आपको ये पाठी भैया के लिए लेके, ये भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ये इनके लिए है जी। ठीक है, गुरुजी को दिखा के आओ। देखिए आओ और गुरुजी, मेरे जो ये बेटा है ना, ये हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो ये आप गाय के गोबर से इतना सारा बना लेते हैं? हाँ जी। ढक्कन रह गया, अभी दे देते हैं बैग, बैग में देखना। तो ये गौमूत्र रिठा आमला? हाँ जी। ये तेल है? शैम्पू है। शैम्पू कैसे बना लिए? तो मशीन है आपके पास? अच्छा, गोबर पका के? अच्छा, गौमूत्र पका के शैम्पू बन जाता है? देखो, गाय के गोबर से शैम्पू बनाया इन्होंने, गौमूत्र से। हाँ, गौमूत्र से। हाँ जी। तो सुंदर, ये कितने खर्चे में बन जाता है? नहीं, आपको बनाने में कितना खर्चा लगा? 80 रुपए का खर्चा। क्या क्या मिलाते हैं बाकी इसमें? अच्छा, आमला शिकर, ये गोबर का है? हाँ जी। वाह, देखो इन सब चीजों को आप लोग यूज करेंगे? साबुन भी बनाई है गुरुजी। तो गाय से ना बहुत कुछ, गौ माता जो मर रही है ना, हाँ, उसकी कीमत का ये तेल भी। हाँ जी, सॉफ्ट है, बढ़िया। ये बहुत आप लगाना चेहरे पे, गौ माता जी को भी देना, गुरु माता को। अच्छा। फरमाया जी गौमूत्र का, ये माताओं के लिए जी, आपके लिए जी, अपने कमरे में जरूर इसमें लगवाना जी। गौमूत्र जी, फरमाया जी, साबुन आप सब बनाए। ये आपकी कृपा से ही हुआ गुरु जी, जब से आपसे इसे चूहा नहीं आते? नहीं गुरु जी। अरे हमारे कमरे में तो बहुत चूहा, हमारे ऊपर ही आके लेट जाता है वो। हमारे कमरे में इतने चूहे हैं कि हम सोते हैं ना रात को, तो ऊपर आके बैठ जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते पूरी रात। नहीं आएंगे गुरु जी। चलो अच्छा, लगाएंगे इसको, मरेंगे तो नहीं चूहे से? नहीं मरेंगे, नहीं चले जाते हैं। हाँ मरे बस ना। हाँ जी, फोन नंबर है, फोन नंबर दे दें। चलो अच्छा है, बढ़िया। आप लोग भी गाय के गोबर के बने चीजें कहीं भी मिले उसका जरूर यूज कीजिए, इससे हमारे भारत की गौ माता सशक्त होगी, मजबूत होगी, और गौ पालन करने वालों को बल मिलेगा। व्यर्थ के केमिकल युक्त प्रोडक्ट आप यूज करते ही हैं। हमारे देश में यदि इन सब चीजों को मान्यता मिल जाए, लोग यूज करने लग जाएं, तो जो गौ हत्या होती है, जो गाय को काट दिया जाता है, वो गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग उसकी उपयोगिता समझ पाएंगे। मैं गाय को बहुत अच्छी तरह पालता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह पालता हूँ, और मेरे घर में भी हैगी, लेकिन माता नहीं मानता मैं उसको, ठीक है, सेवा भी करता हूँ, दूध भी पीता हूँ। मुझे ये बता दो फिर, भैंस क्या, भैंस का दूध? मेरी बात सुनो, जो जो गाय है ना, नहीं नहीं भैंस गाय ये छोड़ो, मेरी बात सुनो, जो बात है, गाय हमारी माता है, हमारे जो चार वेद, छह सात, 18 पुराणों में साफ साफ लिखा है गाय माता, क्योंकि जो गाय है ना, गाय ऋषि मुनियों की देन। कौन से पुराण में, कौन से पुराण में लिखा हुआ है? चार वेद, छह सात, 18 पुराणों में, गीता उठा लो, वहीं पे क्या नो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, गाय माता है। कहीं भी मान लो रामायण उठा लो, रामायण में भी गाय का वर्णन है। इसे विष्णु पुराण उठा लो, शिव पुराण उठा लो, कोई सा भी पुराण उठा लो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो जाति है ना अपनी, केवल दो ही, तीन ही जातियां है, ठीक है। जाति क्या है? देखो, पुरुष, स्त्री और किन्नर, ठीक है।
इसमें एक बात है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। क्या है इसमें, मानव जात सब जाति में यारो नगीना है, जो मानव जात पे भेद करे वो साला कुत्ता नहीं कमीना है, ठीक है? बिल्कुल मान लिया, मान लिया ना? हाँ, बिल्कुल मान लिया। मेरी बात मान ली ना? हाँ। तो गाय को माता कहें क्योंकि माता मुझे दूध दे रही है, ठीक है ना? दूध दे रहे मैं इसलिए माता कह रहा हूँ। और फिर मेरी यार हम गाय को बिल्कुल माता मान रहे भाई, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये तो बताओ बकरी और भैंस क्या है? एक बात, मेरी बात सुनो, सुगर क्या ना, सुगर होता है ना, सुगर भी सुगरनी भी दूध देती है। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना भाई बकरी भी दूध देती है और कुत्ता कुतिया भी दूध देती है। नहीं नहीं, आदमी आदमी किसका पिता नहीं है, किसका दूध आपको पता है? हाँ पता है, भैंस का पीते, गाय का पीते, बकरी का पीते, कहाँ पीते हैं? चल ही नहीं सकता, एक घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता, पाँच मिनट से ज्यादा नहीं चल सकता। पौष्टिक पता है कौन होता है, कौन सा आहार होता है? दूध का, दूध वो ऊँट का दूध पता है आपको? कहाँ मिल रहे हैं ऊँट के दूध? जब जाओगे कहाँ मिल रहे हैं? मतलब मतलब की मेरी गाड़ी में रखा, कुनाड़ में गाय खाने की बात है, अभी खोल के दिखाओ। अरे खोल के दिखा दो भाई साहब, मेरे पास, मेरी बात सुनो, कम से कम 80-90 लाख की प्रॉपर्टी है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं सारी आपके नाम में दे दूँ, लिख दूंगा। आज मैं सोशल मीडिया के सामने में दावा कर रहा हूँ भाई साहब, नंबर बताओ मेरा 96-54-41। और ये तुमने ये कह दी गाय खाने की बात करे, गाय यदि कहीं किसी भी प्राण में, सिपराण विष्णु प्राण 4-6-18 प्राणों में यदि लगाए ना, तो मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम में कर दूंगा भाई साहब। मैं तो प्रॉपर्टी करने का, लेकिन उनको दिखाऊंगा जरूर, ये मेरा वादा है। आप ना धर्म के ऊपर आग नहीं उठा सकते, धर्म के ऊपर नहीं लगा रहा ना, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? चिल्लाने की जरूरत नहीं, आराम से डिबेट करो। मैंने गाय को अब तक नहीं कहा ना, गाय को अब तक नहीं कहा, गाय को ये कहा कि गाय आपकी, आप माता मानते हो तो कूड़े पे ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो? फिर मैं उसे लेकर घर में बैठा पालना, घर में पालो ना, तुम घर में ले जा नहीं सकते, बकवास करने लगते हो। गाय हमारी माता, माता माता हमारे, देखो खेत होंगे, खेतों में वो नहीं ले जाओ ना, सेवा करो। तीन जाति बताइए, फिर 6743 जाति कैसे बन गई? ये क्या है, किसने बनाइए? मेरी तरफ करो ना, मेरे पापा का नाम कुछ और है, ठीक है, और आपके पापा का कुछ और नाम है, ठीक है ना? हमारे कर्म है ना, कर्मों के ही अनुसार जातियाँ बनी है। भंगी का पढ़ लेगा तो हम उसे मंदिर में बिठा दोगे? क्या मंदिर में बिठा दोगे? कहाँ बैठा भंगी का? कहाँ बैठा भंगी का? बताओ, सुनो मैंने अभी क्या कहा था, मानव जात सब जातों में यार नगीना है। मेरी बात सुनो, सुनोगे नहीं? सुनो, मानव जात सब जातों में यार नगीना है, जो मानव जात पे भेद करे सालों कुत्ता ना कमीना है। क्या नाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मन महाराज बनाए थे, हम सबको अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब आए थे, ठीक है? मैं तो हम सबको अधिकार दिलाने के लिए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। धर्म की हानि कैसे हो गई? धर्म की हम लोगों को विभाजित कर दिया। किसने करा विभाजित? किसने? अंग्रेजों ने। आपको पता ही नहीं, जाति जो बनाई है, मनुष्य जो लिखी है वो अंग्रेजों ने लिखी है, अंग्रेजों ने लिखी है, ये कुरान जो अंग्रेजों ने पकड़ा है यहाँ पे, कहा आज से तुम मान लो अंग्रेज साल तक शोषण कर रहे हो, सूत्रों का खून पी रहे हो, जितने भी बलात्कार होते हैं, जितने भी अत्याचार होते हैं, जाति के नाम से होते हैं, ऐसी बकवास जो होती है ना, बहुत सुनता हूँ। मानव मानव सब समान, तो अपने अपने घर भंगी की शादी करवाओ ना। क्यों? हाँ क्यों? हम जान की शादी करवा, गरड़िया की शादी करवा, सैनिक की शादी करवा, चमार की शादी करवा। मेरी बात सुनो, हम हमारे जो मेल पत्रकार है ना, मैं उसके साथ शादी करेंगे ना? नहीं नहीं, जितने भी वो होते हैं ना, लिंचिंग होती है, और जितने भी किलिंग होती है लड़कियों की, वो जाति के कारण होती है। अच्छा भूल गए, देखो अभी हाथरस में जो लड़की मारी थी, वाल्मीकि किसने मारी थी? ठाकुर ने मारी थी। और अभी कुएं का पानी, कुएं का मटके का पानी पीने से उस शूद्र को मारा था पंडित ने, क्यों मारा राजस्थान में? ये तो देखो, ये पंडितों की मेरी बात नहीं, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ ये सब चीज, नहीं लिखा है। बात कर रहा है, हम दिखाएंगे तुझे, लिखा हुआ शर्त लगा तू, शर्त लगा। देखो एक बात सुनो, किसी विद्वान ने कहा ढोल कमार शूद्र पसनारी सजब तारना के अधिकारी का, भाई ढोल को जब तक बजाएंगे नहीं ना, हम किताब दिखाएंगे, हम किताब दिखाएंगे। दिखाओ भैया, अच्छी बात है। अभी पांच मिनट में यार, मुझे गाय का कर दिया, गाय का भोजन का मन था, मुझे ये दिखा दो। अपने के लिए खाएंगे, हमने ये कहा है, गाय को अगर प्यार करनी हो तो बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट करता। मेरी बात सुनो, अरे मैं बीजेपी का बिल्कुल विरोध, सब बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। दूध पीते हैं, भैंस तुम्हारी मौसी लगती है, उसका दूध ना पीते हो? मौसी और फूफा बुआ ये छोड़ो, देखो हमारे वेदों में लिखा है ना, वेदों में लिखा है ना, गाय हमारी माता है तो बाकी में माता है। माता है तो कूड़े पे ऐसी तैसी क्यों कर रही है वो? अपने ड्राइंग रूम में सुना, क्यों रूम में सुना? माता सोती ना है, रजाई में सुना, गर्म पानी से निला उसे, उसे निलाता है ना, माता 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 है, माता 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 को ले जाना, अभी दे रहा हूँ तुझे 10 माता, घूम रही पूरी पे, चल 10 माता दे रहा हूँ, बकवास करने लग जाते हैं, माता माता माता। एक मिनट इधर करो ना, आप कहना क्या चाह रही है? बछड़े को भैया बता, अपनी अपनी चाचा दी बछड़े को। अच्छा पुराने जमाने में गाइस पता है क्या बात थी, कहते थे ना मामा ऐसे गूं खाना है, ऐसे हो हिसाब हो गया, जे गूं खाना तो भाई जी तोड़ जाओ अल्लाह दे वाले।